अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, आई एम रियल सॉरी, मुझे पता है आप लोग मेरे से नाराज़ है कि मैंने इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं बनाया। सारे लोग मेरे से यही पूछते हैं कि जब भी मैं गली वगैरह में जाता हूँ, बाहर घूमता हूँ, तो सोसाइटी के लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आपने ईद के दिन व्लॉग नहीं बनाया यार। तो गाइस, सीन यह था कि एक दिन जो मेरा मोबाइल था ना, उसमें 0% स्पेस था, बिल्कुल स्पेस था ही ना, था तस्वीर भी क्लिक नहीं होता है। तो इससे मैंने फिर व्लॉग जो है आगे नहीं कंटिन्यू किया। तो व्लॉग वगैरह जो है वो मैं नहीं बनाया, बहुत सख्त मैं खफा भी था ना उस दिन, क्योंकि मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। तो इसलिए मैं सारा दिन में जो था टेंशन में था यार, इतना प्यारा दिन था वो ईद का, वो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो खैर, ये मना ये मस्त ज़िंदगी में चलते। तो व्यूअर्स, आज सीन है कि आज मैं जा रहा हूँ चारसदा, इंशाल्लाह आज मेरा स्टे जो है चारसदा में, और कल हम सुबह निकलेंगे कुमराट के लिए। तो कुमराट के लिए मैं जा रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ और दोस्त वगैरह भी जा रहे हैं। मेरे साथ तलहा जा रहा है, तलहा के साथ मैं चारसदा जाऊँगा। तो अभी मैं तैयार नहीं हुआ, तो मैं जाता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि यार कितने पैसे कमाते हो यूट्यूब से, तो यार मैं एक रुपये भी नहीं कमाता हूँ। चल झूठा, अभी तो मेरे 500 सब्सक्राइबर है, मुझे नहीं पता कि कितने पैसे लोग कमाते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर मुझे पता भी हो तब भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं? तो बताओ। तो व्यूअर्स, मैं तैयार हो चुका हूँ, बाहर जाता हूँ, तलहा जो है मेरा वेट कर रहे हैं बाहर। तो हम लोग जाते हैं जी चारसदे अड्डे, तो वहाँ से इंशाल्लाह तंगी जाएंगे। तंगी एक गाँव है चारसदे में ना, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से अभी निकलते हुए दुए वैसे भी देर हो रही है, तो निकलता हूँ, फिर आपसे वहाँ पर मिलता हूँ, ठीक है? तलहा जो है रेडी हो चुका है। हाजर द जू जू डेलर है, कंफर्ट डेलर जू बस हम टंपा तो जिस तरीके चलते जू क्यों तो क्या हुई। तो भी बस रेडी हो चुका हूं, हम लोग जा रहे हैं चारसदा। तो मेरे साथ तलहा भी है, जो है तलहा भी जा रहा है मेरे साथ, तलहा भी रेडी है। तलहा सके यू की तरह आने का, सब देखो दे यू के वाला रास्ते दे। हां से कहां पर जाएंगे, कौन से अड्डे? चारसदे अड्डे हमारे गांव ना, अड्डा कौन सा होगा? चारसदा अड्डा, दाड़ा जाएंगे और वहाँ से जाएंगे तंगी के लिए बाय मोटरवे जाएंगे। ठीक व्यूअर्स, मेरे साथ कैंपिंग भी है, इंशाल्लाह आज कैंपिंग करेंगे ना यार, इस बार हम लोग कैंपिंग करेंगे कुमराट में। तो इस बार एक्सपीरियंस देखेंगे ना कौन कैसा एक्सपीरियंस जाता है हमारा कैंपिंग में। तो आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह वीडियो वगैरह शेयर करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, आप लोगों को ये बैग जो है बड़ा आपको दिखेगा, लेकिन इस बैग में बहुत सारा सामान है जो है जो मेरे काम आएगा कुमराट में। तो इसमें टेंट भी है और सूट वगैरह भी है ना। उस तलहा का बैग जो है बहुत छोटा है यार, तलहा मेरे ख्याल से एक जोड़ा है इसमें यार। नहीं, जोड़े बहुत है, आपने बैग बड़ा लिए, छोटे बैग में चीज़ें भाई। अच्छा अच्छा, तलहा आज मुझे यार चारसदे में यार वो चारसदे के जो मशहूर चावल है वो मुझे खिलाओ यार। अगर गाड़ी लोग गई खिला लेंगे क्यों, चारसदे में तो मिलते हैं, गाड़ी रोकनी पड़ेगी और ड्राइवर को बोल देंगे ना यार रुकवा देंगे। अपन के ताल्लुक है, टेंशन नहीं है, आप गाड़ी रोको, मैं चावल खिलाऊंगा बात। तो ठीक है, टेंशन मत ले। चलिए व्यूअर्स, हम लोग रिक्शा पकड़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? One hour later. तो हम लोग चारसदे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से गाड़ी तो उतरे हैं ना, तो अब यहाँ से जी ऑटो पकड़ते फिर तलहा के जो गांव है अब्बाजों वहाँ तक जाएंगे ऑटो में। गर्मी है आज, इंशाल्लाह कल कुमराट में मौसम अच्छा होगा, कुमराट जाएंगे ना। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, पिशावर की तरह सेम ही मौसम है यहाँ पर, मौसम बिल्कुल सेम है यहाँ पर, आम वगैरह सके। तलहा खा चुके यहाँ पे जी, तलहा भाई जूस ले रहे हैं मेरे लिए। हाँ सके, तो क्या पैसे वगैरह हो रहे थे तो मिल गया पर एक लेना नहीं रखी। हाँ तलहा भाई कह रहे कि पहले जूस पीते यहाँ के जूस दूर। वाओ ज़बरदस्त यार, पहले जूस पीते फिर आप पहुँचे, ठीक है? व्यूअर्स, हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है अब आजू तक, तो अब आजू तक जाएंगे।
तो व्यूअर्स मैं अब आज़ो पहुंच चुका हूं। ये सामने आप लोग दरिया देख सकते जी, तो मौसम भी आप लोग देख सकते काफ़ी क्लियर है। अभी यहाँ से जी अभी उतरे तकरीबन ऑटो से ना, ये सामने जी इन लोगों का घर है अब्दुल्ला का, ये सामने ऊपर पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, यहाँ से मोमंद की जो पहाड़ी है ना यहाँ से नज़र आ रही है। وقت جی منگا گراؤنڈ ترا گلی گراؤنڈ پٹو مس کے گراؤنڈ چوک پچ پکے مس میچ لگ گیا گرم میچ اور مون دیکھو سیر طرح مون تصویران بس تل ہاں غلی مصروف ہے کم تصویران مون بس لگا لگے دے گوری اوہ آقا دے کل دے پالوان دی میش لگیا دے فیلال چار سدی کیو کنا تھوڑی سی بات میں پشتوں میں بھی کر رہا ہوں اس لیے چار سدی کیو فیلال چار سدی کیو انشاءاللہ سبا و دادیز نا کمرار تا زبون دن لمگو چی کم اسٹے دا دن تا چار سدی کی دا انشاءاللہ سبا و چار سدی نا کمرار تا زبون کسی مطلب ہاں سٹیم بودو تلہا وقتی بودو کو جتا گرمی دا کمرار تا جو شیخ موسم شی آو کن تلہا گرمی نا گرمی جاتا رہا دا زر کمرار تا بودا جاتا میں لیکافر تا باری نو کو لیکافر والے میں خبال لے لیکافر والا چابی کام سر دا تیرا تو گیم بجانا پڑے گا ویورز ہم لوگ پانچ بجے پہنچ چکے تھے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا تو اب یہاں پہ آئے اولید کے ساتھ اولید سامنے ایک منٹ میں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہ سامنے جی اولید ہے ابھی آ رہا ہے اس سائڈ پہ پہلی بال پہ آؤٹ ہوا ہے میچ میں پہلی بال پہ تو اولید کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل لیکن یار میں کرکٹ کہاں کھیل سکتا ہوں یار میں تو ابھی بوڑھا ہو چکا ہوں یار میں کرکٹ کہاں کھیل سکتا ہوں مست جوک مارا رہے ویورز ابھی ہم لوگ آئے میچ سے نا ہم لوگوں نے میچ ہار لیا یہاں پہ جی ابھی ٹنڈی ٹنڈی ہوا چل رہی ہے دریا کے ساتھ جی بیٹھ چکے ہیں اور ٹنڈی ٹنڈی ہوا چل رہی ہے یہ سامنے لوگ دیکھ جی پانی میں نہا رہے ہیں یہ دیکھ جی پانی میں لوگ نہا رہے ہیں ماشاء اللہ اوہو ویورز یہاں پہ جی کھانا تیار ہو گیا یہ سامنے چکن کڑھائی بھنڈی اور چاول اور دیسی گئی ہے نا گیو تو کسو تو کرے دیسی یہ پیچھے دریا ہے آپ لوگوں کو ساؤنڈ جو ہے آ رہا ہوگا جو شور ہے اس سامنے پانی کا شور ہے دریا ہے نا پیچھے